बात करते हैं विक्की और विद्या का वो वाला वीडियो का कलेक्शन के बारे में। 11 अक्टूबर को ये मूवी रिलीज हुई थी। इस मूवी में हमें राजकुमार राव, तृप्ति डिमरी, विजय राज जैसे सुपरस्टार एक्टर देखने को मिले हैं। इस मूवी में अपने पहले दिन 5,71,00,000 रुपए कमाए थे, जहां इस मूवी ने अपने दूसरे दिन 7,06,00,000 रुपए कमाए थे। वही तीसरे दिन इस मूवी ने 6,40,00,000 रुपए की कमाई की थी। इस तरह इस मूवी का वीकेंड बना था 19,17,00,000 रुपए का। और इस मूवी के अपने चौथे दिन के कलेक्शन 4 करोड़ है, और पांचवे दिन यानी कि आज ये मूवी 2 करोड़ तक कर सकती है। इसी के साथ इस मूवी का 5 दिनों का कलेक्शन बनता है लगभग 25 करोड़ रुपए। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं, एवरेज कहा जाएगा। इस मूवी का बजट है 50 करोड़ रुपए। अगर इसी तरह ये मूवी चलती रही तो कहीं ना कहीं 50 करोड़ टच कर सकती है। अब बात करते हैं आलिया भट्ट स्टारर जिगरा मूवी के 5 दिन के कलेक्शन के बारे में। ये मूवी भी विकी और वद्या के साथ ही रिलीज हुई थी, और इस मूवी के अपने पहले दिन का कलेक्शन रहा था 4,25,00,000 रुपए, और जहां दूसरे दिन इस मूवी ने कमाए थे 6,30,00,000 रुपए, वही तीसरे दिन इस मूवी ने कमाई की 5,30,00,000 रुपए। इसी के साथ इस मूवी का वीकेंड का कलेक्शन बना 15,85,00,000 रुपए। बात करें चौथे दिन के कलेक्शन के बारे में, तो इस मूवी ने अपने चौथे दिन लगभग 3 करोड़ रुपए की कमाई की। पांचवे दिन यानी कि आज ये मूवी लगभग 2 करोड़ रुपए कमा रही है। इसी के साथ इस मूवी का कलेक्शन टोटल 20 करोड़ तक पहुंचा है। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट लगभग 80 से 90 करोड़ बताया जा रहा है। इसी हाल से चलती रही है मूवी, तो इस मूवी के लिए अपना बजट निकालना भी मुश्किल है, और कहीं ना कहीं बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी फ्लॉप होती दिख रही है। इस मूवी के प्रोड्यूसर है करण जौहर, धर्मा प्रोडक्शन के साथ साथ आलिया भट्ट भी इस मूवी की को प्रोड्यूसर है। आपको क्या लगता है इन दोनों मूवीज का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना रहेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही कलेक्शन की वीडियो के लिए हमें फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।